एनकाउंटर्स में पारदर्शिता के लिए यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। अनिवार्य होगी वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक जांच। भारत ब्रांड योजना के तहत कल से सस्ते दरों पर आटा, चावल और दाल बेचेगी केंद्र सरकार। BSNL ने जारी किया अपना नया लोगो। कंपनी का कहना है, नया लोगो विश्वास, ताकत और राष्ट्रव्यापी पहुँच का है प्रतीक। 70% तक हुई उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी। तकरीबन 4 लाख पुलिसकर्मियों को होगा लाभ। चांदी की कीमत हुई 1 लाख प्रति किलो के पार। भारतीय सर्राफा बाजार के इतिहास में पहली बार। बेहद खराब वायु गुणवत्ता के बीच आज से दिल्ली NCR में लागू हुआ GRAP II। आवश्यक सेवाओं से अलग डीजल जनरेटर चलाने पर रहेगी रोक। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण को रोकने में नाकाम। 24 से अधिक अफसर किए सस्पेंड। 18 किसानों को भी किया गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत। नागपुर में पटरी से उतरी शालीमार एक्सप्रेस, किसी के हताहत होने की नहीं खबर। सेबी प्रमुख माधवी बुच को मिली वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में क्लीन चिट। पूरा करेंगी अपना बाकी 4 माह का कार्यकाल। जांच में नहीं मिला कुछ भी आपत्तिजनक। कई एशियाई देशों में मुद्रा गिरावट के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास के निम्नतर स्तर पर रुका भारतीय रुपया। बैडमिंटन, क्रिकेट और हॉकी सहित कई खेल हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 संस्करण से बाहर। सिर्फ 10 खेलों को मिली जगह। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हुई द्विपक्षीय बैठक, शांति का दिया संदेश। हिजबुल्ला ने फिर किया हमला, दागे मध्य इजराइल में कई रॉकेट। इराक के PM ने की इस्लामिक स्टेट के चीफ की एक ऑपरेशन के दौरान मारे जाने की पुष्टि।